Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamualaikum, and hello. This is Simerjeet Singh back again with another video. And this video meri life series ke jo humne jo hashtag SJS life stories ki jo series thi usme ek hindi video hai khas karke meri entrepreneurial journey ke upar kafi logon ne aksar ye sawal pucha ki motivational speaker banne ki journey 2007 mein jab main UK mein apni job chhod ke India wapas aaya to decide kiya ki as a profession as a full time profession not as a part time thing not as a hobby but ek full time profession professional motivational speaker banna hai to uski journey kaise rahi aur ye maine kaise achieve kiya aur usse kya seekh milti hai to isme kafi incidents hain bade interesting but ek particular incident jo aaj subah mere mind mein aaya aur main chahta hu ki apne viewers ke saath share karun zarur isse pehle ki ye thought disappear ho jaye wo ye hai ki बद्दी हिमाचल प्रदेश में बद्दी में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का जो क्लस्टर है देश भर के और दुनिया भर के बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर तो दोस्तों मेरी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जो शुरुआत की जर्नी में मॉर्निंग रूटीन अक्सर एक हंटर का हुआ करता था हंटर में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि आज से 10,000 साल पहले अगर आप जाएं तब कोई जॉब्स नहीं हुआ करती थी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी कोई सैलरी नहीं होती थी किसी के फोन पे अलर्ट नहीं आता था कि महीने की तनख्वाह पड़ गई है आज से 10,000 साल पहले हर व्यक्ति एक हंटर या गैदरर था यानी यू हैड टू फेच फॉर योरसेल्फ आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता था खुद अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करना पड़ता था एक बेसिक जरूरत जो थी ये चीज हमारे डीएनए में एम्बेडेड है पर शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहने के कारण या हमारी कंडीशनिंग को चेंज होने के कारण हम इस एलिमेंट को भूल जाते हैं और मेरा सबसे पहला मैसेज यही है डोंट लूज योर हंटिंग इंस्टिंक्ट डोंट लूज योर हंटिंग इंस्टिंक्ट व्हिच इज इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग सो कमिंग बैक टू माय स्टोरी 2007 अपनी सर्विसेज मार्केट करने के लिए मैं रोज सुबह मैं और मेरी वाइफ तरवीन जो कंधे के साथ कंधा मिलाकर मेरे साथ इस यात्रा में रहे तो हम सुबह अपनी कार लेकर निकल जाते थे टू गिव इन पर्सन विजिट्स टू गो एंड मीट कॉरपोरेशंस एंड डिसीजन मेकर्स एंड टेल देम भाई हम ये स्पीकर हैं और ट्रेनर हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ट्रेनिंग्स करते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं और की नोट्स देते हैं लोगों से पर्सनली मिला जाए तो चूंकि मैं यूके से जलंधर वापस आया था जिसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जलंधर ही कैसे आना हुआ और जलंधर मेरा बेस कैसे रहा तो आसपास के पहले हमने जलंधर सिटी के सारे एरियाज एग्जॉस्ट किए और एक और मैसेज दे रहा हूँ सभी एंटरप्रेन्योर्स को और एनीबॉडी हु इज स्टार्टिंग ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सबसे पहले जो सबसे बड़े मौके होते हैं वो वहीं पर होते हैं जहाँ आप हैं सो प्लीज प्लीज स्टार्ट वेर एवर यू आर यू डोंट नीड टू लुक टू फार आउट सो पहले हमने जलंधर सिटी से जो इनिशियल जो हमें ट्रैक्शन चाहिए थी वो हमने गेन की हमारे इनिशियल क्लाइंट्स आए और जैसे जैसे हम थोड़ा एक्सपैंड करते गए तो जो बद्दी का जो एरिया है ये जलंधर से लगभग 2.5-3 घंटे की जो ड्राइविंग एरिया में था तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम काफ़ी कंपनीज में इन पर्सन सेल्स कॉल्स करने गए टू टेल देम अबाउट अवर सर्विसेज एचआर मैनेजर से मिले काफ़ी फ़ोन कॉल्स के बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती थी काफ़ी लंबा ये एक सिस्टम हुआ करता था वहाँ से हमें बिजनेस भी मिला इवेंचुअली एकदम से नहीं कुछ टाइम लगा पर जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपसे शेयर करने वाला हूँ ये है कि एक पर्टिकुलर विजिट से बद्दी से एक पर्टिकुलर विजिट से हम बद्दी से वापस आ रहे थे जलंधर और एक मेन रूट था जो सड़क काफी अच्छी नहीं थी और एक थोड़ा लंबा रास्ता था मैंने लंबा रास्ता सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे वो सड़क अच्छी लगी खाली था पीसफुल था म्यूजिक लगाया अपनी ड्राइव एंजॉय की रिलैक्स कर रहे हैं फिर भी जो हंटिंग इंस्टिंक्ट था ना वो एंटरप्रेन्योर का वो हमेशा ऑन रहता था तो हम एक फैक्ट्री के आगे से गुजर रहे हैं बद्दी से जलंधर वापस आ रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री हमें नजर आई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आया उसके बाहर लिखा हुआ है सारा एक्सपोर्ट्स ऐसे आ रहे सारा एक्सपोर्ट्स और सारा टेक्सटाइल्स और समथिंग लाइक दैट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी बड़ा तो इमीडिएटली आई टोल्ड माई वाइफ आई सेड लेट्स टेक अ पिक्चर ऑफ दिस लेट्स नोट डाउन देयर एड्रेस और अगली बार जब हम इस एरिया में फिर आएंगे हम इनकी फैक्ट्री में भी विजिट करेंगे इनको बताने के लिए भी कि हमारी सर्विसेज क्या है दिलचस्पी की बात यह हुई जलंधर वापस आकर जैसे मेरी वाइफ ने जो सेल्स हैंडल करते थे उन्होंने कॉल किया इस फैक्ट्री तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं ऐसे डिसीजंस फैक्ट्री में नहीं लिए जाते आप हेड ऑफिस कॉल करें डेली तो
एज ए नेक्स्ट स्टेप मेरी वाइफ ने हेड ऑफिस कॉल किया दिल्ली। दिल्ली हेड ऑफिस कॉल करने पर उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से हमें दिल्ली NCR रीजन में जाना ही था, तो मेरी वाइफ ने फर्स्ट मीटिंग जो थी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ कटिंग एज, विच इज द नेम ऑफ अवर कंपनी, वो उनके साथ की। वहाँ मिसेज आनंद, गुरमीत आनंद आई बिलीव इफ आई गेट हर नेम करेक्टली, शी वॉज द HR मैनेजर। So my wife had the first meeting with her, and in the second meeting I was also invited to be a part of it, which was a great opportunity. Mujhe bhi Delhi pahunchna tha usi samay par, to main bhi dusri meeting mein pahuncha aur company ke owner se baat hui. So to cut a long story short, in the end Noida NCR region mein, Delhi NCR region mein hamari entry directly jaakar nahi hui, हमारी एंट्री इनडायरेक्टली बद्दी से वापस आते वक्त, बद्दी नालागढ़ रोड पर वो लोकेटेड उस फैक्ट्री को देखकर, वहां से उसका एड्रेस पढ़कर, वहां कॉल कर फिर वहां से कॉल से जो दिल्ली NCR रीडायरेक्ट हुआ है, सारी प्रोसेस से जाकर हमारी दिल्ली NCR में एंट्री किसी और डायरेक्शन से हुई, और कम से कम 4 या 5 वर्कशॉप्स का जो हमें उस समय जो बिजनेस है उस क्लाइंट से मिला। मेरा मैसेज उन सभी एंटरप्रेन्योर से है जो इस समय अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों कई बार ये होगा कि आप तीर निशाना लगाकर छोड़ेंगे और आपको इस चीज का दुख होगा कि आपका तीर निशाने पर नहीं लगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप तीर छोड़ना बंद कर दें, कि आप फायर करना बंद कर दें, क्योंकि कई लक्ष्य ऐसे होंगे जो सीधा फायर करने से हिट नहीं होंगे, पर वो आपकी जो छोड़ी हुई जो गोली है या तीर है, ये घूमते हुए किसी और डायरेक्शन से जाकर इस पे लगने वाला है। यही मेरे साथ कितनी बार हुआ। इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, पर्सनल इंसिडेंट सुनाता हूं, अपने जीवन की कहानियों से और बड़ी कोई कहानी नहीं। सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमारे एक मित्र हुआ करते थे, मिस्टर मनहर अरोड़ा। तो वहां पर करियर फेयर लगा, एक जॉब फेयर लगा। हमने अभी कुछ महीने हुए थे कटिंग एज लर्निंग सिस्टम्स की शुरुआत की। इन्होंने बोला आप क्यों नहीं आप यहाँ एक स्टॉल लगाएं और अपनी सर्विसेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। सो ध्यान रखिए, ओपन माइंडेड होना कितना जरूरी है। अपनी सर्विसेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं, कॉर्पोरेट का यहीं कोई लेना देना नहीं है। और हंटिंग इंस्टिंक्ट क्या होता है, किसी एंटरप्रेन्योर का जब हंटिंग इंस्टिंक्ट ऑन हो या वर्किंग प्रोफेशनल का हंटर इंस्टिंक्ट ऑन हो, वो कैसे रास्ता ढूंढता है, इस एग्जाम्पल से देखिएगा। तो सर, जैसे अब सर्दी बढ़ रही है पंजाब में, ऐसा ही एक सर्दी का दिन था, सुबह काफ़ी फॉग थी। हम करते कराते उनके कैंपस में पहुंचे, हमने अपने पैम्फलेट्स प्रिंट कराए हुए हैं 2 वर्कशॉप्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स अलग अलग पार्ट से आ रहे हैं वहाँ जॉब इंटरव्यूज देने। अब जॉब फेयर क्या था, उन्होंने अपने क्लासरूम्स में अलग अलग जगह से कंपनीज को बुलाया हुआ था और कंपनीज के HR मैनेजर्स वहाँ बैठे थे। ये बच्चे आते अपना CV देते और वहाँ पर इंटरव्यूज होती उनकी, और हमने एंट्री पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था, कटिंग एज लर्निंग सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स फॉर यंगस्टर्स, और ब्रोशर्स रखे हुए थे। तो हर यंगस्टर को हमने अप्रोच किया, उनको ब्रोशर दिया, उनको एक वर्कशॉप के बारे में बताया जो उस समय हमने कंडक्ट भी की, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज के ऊपर। ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, अर्ली 2007, जस्ट 15-20 दिन हुए थे मुझे UK से वापस इंडिया लैंड किए हुए। तो जैसे स्टूडेंट्स का सारा ग्रुप एग्जॉस्ट हो गया, तो आई थॉट हम यहाँ ही क्यों रुके, सभी स्टूडेंट्स को तो हमने पैम्फलेट्स बांट दिए हैं, अब यहाँ पर फ्री बैठने का क्या फायदा है। We started going. I thought it's a wonderful opportunity. There are 30 companies here who are recruiting. और सभी के HR managers यहाँ पर हैं। Interviews खत्म हो चुकी हैं, वो लोग भी कुछ free हैं, क्यों ना हम इस opportunity को capture करें। Learn to capture opportunities, my friends. Opportunities किसी को प्लेट पर present कर नहीं दी जाती। Opportunities सबके लिए बराबर होती हैं। Ideas belong to those, results belong to those who capture the moment and do something about it. Ideas, I think this is Dhirubhai Ambani who said, ideas are nobody's monopoly. The one who is able to execute an idea is the one who captures it. So what we did, very simply, हम इन 3 जो cabins थे यहाँ पर, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की companies आई हुई थी, इनके senior HR managers थे, we would walk into every room. Do not be afraid of rejection. If somebody is rejecting, they're not rejecting you. They are rejecting the product or service that you're offering. So, अपने rejection को personally ना लें। तो यही हिम्मत लेकर और यही casual sort of attitude लेकर, यही go-getter का attitude लेकर हमने every single door पर knock किया। उनमें से एक और बड़ी interesting चीज़ हुई। एक जगह हम बड़े बड़े अच्छे, बड़े sweet, बड़े cute HR manager थे। उन्होंने पूरी हमारी
प्रेजेंटेशन सुनी कि हम कंपनीज के लिए क्या करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, सेल्स के ऊपर करते हैं, मोटिवेशन के ऊपर करते हैं, वहाँ कोने में एक और जेंटलमैन बैठे हुए थे। ये सीनियर जेंटलमैन थे जो कंपनी के एचआर मैनेजर थे, तो कोने में एक और जेंटलमैन बैठे हुए थे जो बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे इस पूरी प्रेजेंटेशन में। और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, मेरी वाइफ ने जो बिजनेस डेवलपमेंट हैंडल करती हैं, प्रेजेंटेशन खत्म की, तो इन जेंटलमैन का सवाल उनके लिए था कि ये फादर सन का रिलेशनशिप था। जो प्रेजेंटेशन जो एचआर मैनेजर थे उनके फादर थे, जो कोने में साथ बैठे हुए थे उनके बेटे थे, और उनके बेटे आर्मी में कर्नल थे उस समय। उन्होंने कहा, आपने जो भी बातें कही बड़ी अच्छी लगी, पापा आपको इनवाइट करें ना करें फैक्ट्री में सेमिनार के लिए, मैं जरूर इनवाइट कर रहा हूं कि आप आएं और हमारे यूनिट के साथ उनको प्रेजेंटेशन दें। दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट प्रेजेंटेशंस टू द इंडियन आर्मी हियर एट इन जलंधर कैंट। सो फिर से वही बात, हमने तीर छोड़ा, हमने गोली चलाई, एंटरप्रेन्योर ने सीधा निशाने पर नहीं लगी, घूम कर एक और बेटर निशाने पर जा लगी। देयरफॉर माय फ्रेंड्स, as I come to a conclusion for this very short video narrating my personal experience, this is my message to you. Continue making efforts. Figure out your direction. Efforts zarur karte rahe. I think ye ancient Greek philosopher Seneca ki kahawat hai, good luck is what happens when preparation meets opportunities. Good luck is what happens when preparation meets opportunity. इस इक्वेशन में प्रेपरेशन हमेशा आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में नहीं है, बट वो कब प्रेजेंट कर दे अपने आप को ये आपको पता नहीं। अगर आप उस समय प्रिपेयर्ड होंगे, यू कैन गो एंड कैप्चर इट, एंड डोंट लूज योर हंटर्स इंस्टिंक्ट, रीच आउट एंड टेक अ चांस। मैं रिसेंटली अभी बात कर रहा था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एक ऑफिसर है, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया एक टाइगर का, जो टाइगर हंट करने निकला और वो बुरी तरह से वो पेड़ पे चढ़ा उस लंगूर को पकड़ने के लिए या किसी जानवर को पकड़ने के लिए, और काफी मुश्किल से गुजरने के बाद वो बेचारा उल्टा होके नीचे मिट्टी के ऊपर गिरा। अब ये शेर जो है जंगल का राजा है, अगर इसकी ये हालत है, और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि एक शेर जब हमला करता है अपना शिकार के ऊपर शिकार करने के लिए, आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट्स 19 अटेम्प्ट्स में फेल होता है, 20 में से 19 बार जंगल का राजा दोस्तों हारता है, गिरता है, मुंह की खाता है, फिर भी उठता है, बिकॉज ही नोज हंटिंग इन हिज डीएनए एंड ही मस्ट गो आउट एंड कैप्चर दोस अपॉर्चुनिटीज व्हाट ही हैज टू। सो अगर शेर की ये हालत, अगर वो निराश नहीं होता तो हम क्या चीज है तो हम क्या चीज है। वी शुड ऑल्सो नॉट फील डिसअपॉइंटेड। इनफैक्ट इस शेर का तो वीडियो भी बना, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। अगर ये शेर थोड़ा इमेज कॉन्शियस होता, कहता अब तो मैंने शिकार करना ही बंद कर देना, अब तो मेरा वीडियो भी वायरल हो चुका है कि इस पर्टिकुलर शेर को इसकी ये हालत हुई, अगर इंसान होता तो ऐसे सोचता। बट डोंट ओवरथिंक, आप एक्शन करने से ही करेक्शन करेंगे। प्लीज याद रखिए, थ्योरेटिकली आप किसी रास्ते को डिस्कवर नहीं कर सकते। किसी शायर ने बखूब लिखा है, जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं यानी शुरुआत करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए, एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। तो क्या पता आपके जैसे मुसाफिर का आपके चुने गए रास्ते को इंतजार हो। Maybe your path is waiting for you to take the first step. So please keep this in mind. Efforts are never wasted. Every day, dress up, show up, bring your best attitude to work and do the best you can. Aur jo aapki efforts hain, ye seeds ki tarah apne time mein zarur flourish karengi. Kai baar directly, jis direction mein aapne effort lagai, aur kai baar surprisingly indirectly into a new, wonderful, brand new result jo aapne anticipate nahi kiya. तो ये एक छोटी सी इंसिडेंट्स थे मेरे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के। आज लगभग 12.5 साल कंप्लीट किए हैं एज अ प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। फुल टाइम मैंने यही किया है, ये मेरा साइड एक थिंग नहीं रहा, ये मेरी मेन चुनी गई डायरेक्शन रही है, मेरा मेन प्रोफेशन रहा है। तो जो मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर किया आज से 12 साल पहले का है, आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।